हाँ। और जो उनका फैसला होगा मेरे ख्याल में बहुत ही निर्णायक होगा और हम अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी में चलिए मैं इस बात को कुशवाहा जी मैं इस बात को ऐसे पूछता हूं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, कोर टीम में आपका शुमार है। आपकी बात जहां तक मैं जानता हूं मैंने कभी कटते हुए ना तो देखी और ना सुनी। मुझे बताइए आपकी व्यक्तिगत तौर पर राय क्या है। देखिए मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है समाजवादी की जो राय है लगभग उससे संबद्ध करते हुए मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि जिस दल को हम सहयोग कर रहे हैं यदि हमारी उपेक्षा कर रहा है तो उससे समर्थन हमको वापस ले लेना चाहिए। अभी कर रहा है ना? ये मेरी व्यक्तिगत राय अभी कर रहा है। यदि हमारी यदि मेरी उपेक्षा कर रहा है मैं लगातार देख रहा हूं कि उपेक्षा हो रही है तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक इसीलिए बुलाई गई। यानी संसदीय दल में आप माननीय मुलायम सिंह जी से अपने दिल की बात कहेंगे और आपकी बात आज तक कटी नहीं है इसलिए फैसला हो सकता है क्या कि समर्थन वापसी का ऐलान हो जाए। ये मैं आपका आदर करता हूं कि आप मेरा मेरी मेरे मेरे स्थान को इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ये हकीकत है रूप से ये हकीकत है मेरे पास पक्की जानकारी है इसलिए बता रहा हूं। नहीं निश्चित रूप से जो आपके सामने हमने बोला है पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है तो यही हम सलाह माननीय नेताजी को देंगे कि ऐसे कांग्रेस पार्टी को आप जिसको समर्थन दे रहे हैं यदि आपको अनसुनी कर रहा है और आपकी उपेक्षा कर रहा है तो कुछ मजबूत हम लोगों को कदम उठाना चाहिए। विक्रम राव साहब कुशवाहा जी के शब्दों से क्या ये चीज झलकती है कि मायावती जी की बारी आने से पहले अपनी बल्लेबाजी निपटा दो सेंचुरी मार के निकल लो मैदान से। बिल्कुल बिल्कुल ये टाइम टेबल तय करना पड़ेगा समाजवादियों को। अगर मायावती के 9 अक्टूबर वाली तारीख के बाद में फैसला किया तो क्या फायदा हुआ क्या लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता को संदेशा जाना चाहिए जो बात कही है इन्होंने कुशवाहा जी ने दिल की बात कही है इन्होंने दिमाग से बात कही है समाजवादियों की और इनकी बात अगर नहीं मानी गई तो इनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा मुझे पूरी आशंका इस बारे में है। जी अतुल जी जी यानी कि समाचार प्रेस पर इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज चला दें कि जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें समर्थन वापसी का ऐलान हो सकता है सूत्र। वो तो आप चला रहे हैं मैं देख ही रहा हूँ। नहीं हमें कह रहे हैं आपकी व्यक्तिगत राय है क्या हम अधिकृत राय चला दें कि हमारे सूत्र बता रहे हैं इनको कोर्ट करेंगे तो एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन हो जाएगा। नहीं वो पार्लियामेंट्री कमेटी में आने दीजिए आपने हमसे व्यक्तिगत राय लिया तो अपनी दे दिया हमने। नहीं इसीलिए मैंने व्यक्तिगत राय चलाई। देखिए आप मेरी ईमानदारी आपको सराह सकते हैं यहाँ पर। नहीं आपकी ईमानदारी में कभी शंका नहीं है इसीलिए मैंने आपको राय भी दे दिया। जी अमिताभ जी आपकी बारी। देखिए मुझे लगता है जैसा विक्रम राव जी कह रहे हैं बहुत नाजुक समय है और कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बना मैं हमेशा एक बात हर मंच पर कहता रहा टेलीविजन पर भी और नेताओं से व्यक्तिगत मशवरे में भी कि राजनीति लो क्लास से चलेगी जनता के परसेप्शन से चलेगी। मैं ममता को उनके तमाम अड़ियल रवैये तमाम अगंभीर रुख के बाद भी इस बात के लिए हमेशा मानता रहा कि ममता ने लोक लाज को सबसे ऊपर रखा। ठीक बात है उसमें नुकसान भी उठाया ममता ने ठीक बात लेकिन उसने ये जरूर ध्यान रखा। कल भी रात मेरी उनके एक सहयोगी से बात हुई इस फैसले के बाद तो उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला नहीं लेते तो आज इस वक्त देश के सारे चैनल कह रहे होते ममता पाखंडी है। तो आज वो फैसला लेना पड़ा और वामपंथी दलों ने आज हमला भी किया है और ममता बनर्जी ये जानती थी। आज से 3 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अगर विड्रॉ कर लूंगी तो मैं ये भी जानती हूं सपा और बसपा उसको बचाएंगे सरकार को। उसके बाद भी ममता ने कहा कि नहीं मैं पब्लिक परसेप्शन के साथ जाऊंगी। अब ये तय करना होगा मुलायम सिंह जी को मायावती जी को कि वह कांग्रेस परसेप्शन के साथ जाना चाहते हैं या पब्लिक परसेप्शन के साथ। मैं तब भी बुद्धिमानी मानता अगर हुकूमत हिंदुस्तान के पास अभी 4.5 साल पड़ा होता। अरे जाती हुई सरकार है भाई डिरेल हो गई ट्रेन अब उसमें सवारी के लिए काहे को माथापच्ची कर रहे हो अपना अपना गमछा सीट पे बिछा रहे हो। उतरो ममता उतर गई देखो नहीं तो एटा इटाबा फरुखाबाद हमीरपुर जालौन झांसी गरौटा मऊ मुश्किल हो जाएगी चुनाव लड़ना कहां जवाब देंगे। फतेहपुर में आदमी पूछेगा बलिया में आदमी पूछेगा गाजीपुर में पूछेगा मऊ में पूछेगा कहेगा कहो नेताजी तुम तो साथ थे बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये देखना होगा।
कई बार परसेप्शन जातियों से परे हो जाते हैं। अग्निहोत्री जी, समाजवादी का अंगूठा नहीं बिछाना पड़ेगा, समाजवादी ने पूरा बिस्तर उत्तर प्रदेश में लगा दिया है, अब इस बिस्तर को कोई उखाड़ने वाला है नहीं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि अभी ये 3 घंटे की फिल्म की टिकट नहीं है, इसका इंटरवल में एक बड़ा इम्तिहान बाकी है 2014। 2014 के इम्तिहान में बैठना है ना, सारी पार्टियों को बैठना है उत्तर प्रदेश में, निर्मल खत्री की पार्टी को भी, मुलायम सिंह जी की पार्टी को भी और मायावती जी की पार्टी को भी, तो दबाव तो मानना पड़ेगा जनता का जी, जनता के परसेप्शन को ध्यान में रखना होगा, ऐसा मैं मानता जी। राव साहब, क्या मुझे एक चीज यहाँ पर समझाइए कि क्या ममता बनर्जी जी ने आनन फानन में अपने 72 घंटों की अवधि के खत्म होने के तुरंत पहले ही समर्थन वापसी का ऐलान करके जो 4 M थे, उसमें मुलायम जी भी थे, उसमें मायावती जी भी थे, उसमें एम करुणानिधि भी थे और खुद ममता जी भी थी, क्या इन 4 M के ऊपर लीड ली और 2 M है मैडम और मनमोहन, उन एम को भी खतरे में डाल दिया, क्या ममता बनर्जी का एक परसेप्शन यहाँ पर प्रॉफिटेबल बना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आनंद फानंद शब्द सही नहीं है। अच्छा, ममता ने बड़ी सोची समझी रणनीति अच्छा। की है, उसने चुनौती दी है इन बाकी तीनों को जी, कि तुम लोग मसीहा बनते हो गरीबों के जी जी, अब तय करो कि तुम आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, इस विदेशी पूंजी के आमंत्रण करने वालों को हटाओगे नहीं हटाओगे, इस डूबते जहाज से उतरोगे नहीं उतरोगे। ममता ने चुनौती दी है करुणानिधि को, ठीक है, मायावती को, मुलायम सिंह को, ठीक, और तीनों को तय करना होगा कि ये किनके साथ हैं। तो ममता ने तो एक सोची समझी बड़ी जबरदस्त चाल चली है, तुरुप का पत्ता चला है जी, कोई विकल्प नहीं छोड़ा इनके साथ, तुरुप का पत्ता चला है, कोई विकल्प नहीं छोड़ा। कुशवाहा जी, आपसे जो लिबर्टी हमें लेनी थी 8 मिनट की लिबर्टी हम ले चुके हैं आपसे, जाते जाते 30 सेकंड की लिबर्टी और लूंगा मैं आपसे, पार्लियामेंट की जो आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, एक बार अगर आप बता पाए फिर से कंफर्म करें कि वो इसी हफ्ते रविवार के पहले होगी। उम्मीद रखिए कि इसी सप्ताह हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, और जो वायदा आपने किया है वो बात आप मुलायम सिंह जी से भी कहेंगे, और उसके आधार पर बिटवीन द लाइन्स अगर हम पढ़े, जो राव साहब ने सिखाया, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने हमें सिखाया है, अगर हम बिटवीन द लाइन्स पढ़े तो ये माना जा सकता है कि आपकी जो भावना है उनका मुलायम सिंह जी भी आदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं, रिपोर्ट ये है कि अगर सरकार अल्पमत में आती है तो जो सियासी पार्टियां हैं वो क्या गणित खेलती हैं, जो गणित खेलती हैं क्या वो मीडिया से रूबरू होते वक्त बताती हैं या नहीं बताती, कौन क्या कह रहा है वो आपको दिखाते हैं, और कौन क्या करेगा वो आगे आपको दिखाएंगे। उथल पुथल भरे सियासी माहौल में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने नफा नुकसान के मुताबिक रणनीतियां तय करने में जुट गई हैं। ममता बनर्जी ने तो सीधे फ्रंट फुट पर खेलते हुए सरकार से किनारा कर लिया, वहीं विन विन कंडीशन में दिखाई दे रहे मुलायम, माया और एम करुणानिधि अपनी रणनीति को लेकर पशोपेश में है। सुबह करीब 9 बजे मुलायम सिंह यादव ने सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि 20 सितंबर को संसदीय बोर्ड की बैठक में पार्टी की रणनीति के बारे में अहम फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हो रही है और पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके बाद बदले सियासी घटनाक्रम में यूपीए से अलग हुई ममता बनर्जी को साधने की नीयत से एनडीए संयोजक शरद यादव सामने आए। ममता जी का फॉर्म जो है वो एक तरह से लॉन्ग मार्च, इस देश में सही बात पकड़ने का बाजार में सबसे सोच को बहुत चुनाव कर। तो एम पावर की अहम किरदार बीएसपी ने सेफ साइड लेते हुए फिर से अपना पुराना राग अलापा। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होगी, हमारी रणनीति क्या होगी वो 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में ही तय किया जाएगा। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था
कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सियासी शगुफा छोड़ते हुए अपने विकल्प खोले होने की बात कर दी। साथ ही उन्होंने 30 सितंबर को किसी भी तरह की बैठक से इनकार कर दिया। कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ जो आप लोग चला रहे हो उस पर। 20 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, न कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है। एक तरफ सभी सियासी पार्टियां अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब किताब में लगी हुई थीं, तो सरकार अपने को सुरक्षित करने की किलेबंदी में जुटी थी। करीब 1 बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई, जिसके बाद कांग्रेस झुकी और ममता बनर्जी को मनाने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस के दावों को तृणमूल कांग्रेस ने झूठा करार दिया। दोपहर करीब 2:30 बजे अब जिस रसोई गैस, डीजल और FDI के मसले पर ये सारा विवाद शुरू हुआ था, उस पर कांग्रेस ने एक और नया पैंतरा खेला। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि अभी सरकार का जो फैसला आया था कि सिर्फ 6 LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, उसके तहत जहां हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस की राज्य सरकारें जहां हैं, वो 3 सिलेंडर पर और यानी 6 और 3 9 सिलेंडर पर सब्सिडी। तो लंबे वक्त से सीन से गायब दिख रही बीजेपी ने गरजते हुए कहा कि सरकार से भीख नहीं मांग रहे, जनता अपना हक छीन कर लेगी। जनता का जो मूड है, एक नारा नया लगा है, रोल बैक करो या बोरी बस्तर पैक करो। रेल मंत्री मुकुल रॉय का बयान हो या बाकी पार्टियों का रुख, बैकफुट पर आई कांग्रेस ने आनन फानन में शाम 4 बजे होने वाली नियमित प्रेस ब्रीफिंग को रद्द कर दिया। आखिर कांग्रेस अब बोले भी तो क्या। हालांकि DMK का बिना शर्त सरकार से जुड़े रहने के फैसले की खबर ने सरकार को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन ममता बनर्जी के वार से जो सियासी हालात पैदा हुए हैं, उसमें बयानबाजी का दौर जारी है। लिहाजा देश की जनता को आने वाले वक्त में कुछ और सियासी रंग ढंग देखने और सुनने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए श्री द्विजेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। त्रिपाठी जी, कुशवाहा जी वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पहले कुशवाहा जी यहां पर बैठे थे। तपिश महसूस हो रही है क्या उस कुर्सी की? अब तपिश की बात हम क्या करें, यहां पर हिंदुस्तान में जो सियासी तपिश जो दिखाई दे रही है, हम लोग उसी को संभालने में लगे हैं। और लेकिन कामयाब हो नहीं पा रहे हैं फौरी तौर पर जो लग रहा है। देखिए, यूपीए 1 में सरकार बचाने का जिम्मा मुलायम सिंह जी ने लिया था, और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसी कुर्सी पर बैठकर कुशवाहा जी कहेगा कि बस अब नहीं। देखिए, मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय नेता हैं और हर राष्ट्रीय मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस और यूपीए का साथ दिया है। अच्छा, और हमें ये आशा है कि आगे भी वो साथ देंगे। वो जानते हैं कि आखिर विरोध किस बात का है, इस आशा की बिना क्या हिंदुस्तान की, इस आशा की जनता बिना क्या है, वजह क्या है? नहीं, मैंने कहा तो कि हर हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर जितने भी मुद्दे आए हैं, आप न्यूक्लियर डील के मामले में ले लीजिए, आप कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा बताइए जिसमें मुलायम सिंह जी ने यूपीए का साथ नहीं दिया। और आज सवाल यह है कि वही स्थिति आकर के खड़ी हो गई है जिस मुद्दे पर तमाम हाय हल्ला मचा रहे हैं, विरोधी पार्टियां मचा रही हैं, उस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सेटिंग हो गई है, ये मतलब, ये कंफर्मेशन है? हम सेटिंग की बात नहीं करते हैं, हम राजनीति में देखिए सेटिंग गेटिंग की बात नहीं करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय मुद्दों की सेटिंग की बात मैं कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, मैं मुद्दों पर, त्रिपाठी जी, दो सवाल मेरे पास है। एक, जब न्यूक्लियर डील के समय अमर सिंह की सक्रिय भूमिका के बाद सरकार बची, उन्होंने मुलायम सिंह जी को कन्विंस किया, उस समय नेपथ्य में थे मुलायम सिंह जी, मुख्य भूमिका में ठाकुर अमर सिंह थे,
उसके कुछ समय बाद मेरी अमर सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने बहुत खिन्न मन से कहा कि गलत मचा दी सरकार, जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। अब क्या वादा किया ये आप जानो, वादा पूरा नहीं, ये उनका वर्जन। खैर, एक दूसरी मैं बात आज के संदर्भ में कहता हूं। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां 6+3 सिलेंडर मिलेंगे, बाकी देश के बच्चे सौतेले हैं क्या? पहले तो अब्बल तो आपने